हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग वाक्य को अच्छी तरह से समाप्त कर लिए थे और आज हम लोगों की कक्षा किस पर होगी? उपवाक्य पर। तो हमने पिछली कक्षा में जाते जाते बताया भी था कि जब आगे हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे, उसका नाम रहेगा उपवाक्य। तो आज की कक्षा हम लोग किस पर करने वाले हैं? उपवाक्य पर करने वाले हैं। किस पर करेंगे दोस्त? उपवाक्य पर। ठीक है, आज की कक्षा का टॉपिक हमारा या आज की हमारी कक्षा का प्रस्तुतिकरण किस पर होगा? उपवाक्य पर होगा। ठीक है, चलिए पहले बात सुनिए, उपवाक्य को कितने भाग में तोड़ सकते हैं? तो उपवाक्य को दो भाग में तोड़ सकते हैं। उपदन वाक्य बराबर क्या हो जाएगा? उपवाक्य। उप का अर्थ होता है छोटा, यहाँ पर अर्थ होगा छोटा, लेकिन उप का अर्थ समीप भी होता है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ हुआ वाक्य का छोटा, माने छोटा सा, वाक्य का छोटा सा हिस्सा। ऐसे कहें उपवाक्य की परिभाषा बन जाएगी कि वाक्य का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे और परिभाषा के साथ साथ इसका वर्गीकरण देखेंगे तथा इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के साथ साथ अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ लेना कोई अच्छी बात नहीं है, समझ लेना अच्छी बात है। तो पढ़कर क्या करेंगे? जब समझ में नहीं आएगा तो समझ लेंगे अच्छी प्रकार से। तो हम लोग अच्छी प्रकार से जब समझ लेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग इसकी सबसे एक छोटी सी परिभाषा आप लोग जान लीजिए कि वाक्य का छोटा सा हिस्सा या छोटा सा भाग क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उपवाक्य को ऊपर लिखते हैं और जगह अभिन्न है तो उपवाक्य को थोड़ा सा ऊपर और अच्छी प्रकार से हम लोग देखने का काम करते हैं। उपवाक्य। चलिए देख लेते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं। तो उपवाक्य जानिए, सामान्य भाषा में सीखिए, पहले वाक्य का छोटा सा हिस्सा या भाग, वाक्य का छोटा सा हिस्सा या भाग उपवाक्य होता है। वाक्य का छोटा सा हिस्सा या भाग क्या होता है? उपवाक्य होता है। मतलब कहने का यह अर्थ ये है कि एक बड़ा सा वाक्य होगा, उसका छोटा सा हिस्सा या छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? उपवाक्य कहलाएगा, परंतु उसका अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निकलेगा। चलिए तब इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, उपवाक्य की वास्तविक परिभाषा। ये भी परिभाषा अच्छी है लेकिन यह छोटी सी है। तो अगला वाली परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा कि ऐसा पद समूह, लिखिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह। ठीक है, ऐसा पद समूह जिसका जिसका अपना अर्थ हो, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, कामा जो वाक्य का अंग हो, वाक्य का क्या हो? अंग हो, तथा अंग हो तथा उसमें एक
उद्देश्य और विधेय हो तथा उसमें एक उद्देश्य और विधेय हो। ठीक है, चलिए समझिएगा। ऐसा पद समूह, ठीक है, पदों का क्या होगा, समूह जिसका अपना क्या हो, अर्थ हो, जो वाक्य का क्या हो, अंग हो, उसमें एक ठो क्या होना चाहिए, उद्देश्य हो और एक क्या हो, विधेय हो, वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, पद समूह हो, उसका निश्चित क्या हो, अर्थ हो, वह क्या कहलाता है, तो वह उपवाक्य कहलाता है, वाक्य नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, उपवाक्य। ऐसा पद समूह, फिर से सुन लीजिए, ऐसा पद समूह जिसका अपना क्या हो, अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का क्या हो, अंग हो, उसमें एक उद्देश्य हो, क्या हो, एक उद्देश्य हो, और क्या हो, तो एक विधेय हो, तो ऐसा जो रहेगा और इसमें स्वयं का अर्थ भी हो, ऊपर ही लिख दिए हैं, ऐसा जो होगा वह क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाता है, समझिएगा, पहले समझ लेते हैं, कृष्ण बांसुरी, बजाता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, राधा नाचती है, और शब्द भी यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, ठीक है, या तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और का उदाहरण देकर समझा रहा हूं अभी, ठीक है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, जो कृष्ण बांसुरी बजाता है, यहां से यहां तक लेकर जो वाक्य है, और राधा नाचती है, दोनों वाक्य ध्यान से सुनिए, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, अगर यह पूरा ओवरऑल में देखें, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, अगर यहां से यहां तक देखें तो यह एक क्या है, वाक्य है, क्या है, वाक्य। इस वाक्य में विधेय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पिछली कक्षा में जाकर देख लीजिएगा, तो इसमें उद्देश्य भी है, विधेय भी है, ठीक है। तो अब हम क्या बताए हैं, अब वाक्य में उपवाक्य होता है, यह आपको पता है कि वाक्य का निर्माण किसका निर्माण, वाक्य का निर्माण किससे होता है, उपवाक्य से होता है, तो कृष्ण बांसुरी बजाता है, ठीक है, यह क्या है, एक उपवाक्य है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, यह क्या है, एक उपवाक्य है, राधा नाचती है, यह भी क्या है, उपवाक्य है, क्या है दोस्तों, उपवाक्य है। इसका मतलब ध्यान से सुनिए कि अब हम परिभाषा क्या कहें कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, चलिए राधा नाचती है, राधा नाचती है, यहां राधा के नाचने का बोध हो रहा है, इसका क्या हो, अर्थ हो, ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है। उपवाक्य के लिए क्या क्या शर्त दी गई है या क्या परिभाषा है, तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, राधा नाचती है, अर्थ निकला, यहां पर कृष्ण बांसुरी बजाता है, अर्थ निकला, आगे देखिए और इस शर्त क्या है, वाक्य का अंग हो, वाक्य का अंग यानी भाग हो, वाक्य का अंग भी है, कृष्ण बांसुरी बजाता है एक अंग, राधा नाचती है दूसरा का अंग, वाक्य का अंग भी है, चलिए उद्देश्य हो और विधेय हो, राधा यहां पर क्या है, उद्देश्य है, राधा यहां पर क्या है दोस्त, उद्देश्य है, ठीक है, नाचती है यह आपका क्या है, विधेय है, उद्देश्य के बाद जितना बच जाता है पूरा विधेय के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार से कृष्ण यहां पर क्या है, देख लीजिए, कृष्ण
कृष्ण शब्द यहां पर क्या है? तो कृष्ण शब्द यहां पर क्या है? उद्देश्य है। कृष्ण शब्द क्या है? उद्देश्य है। और बांसुरी बजाता है यह आपका क्या है? विधेय है। मतलब समझे, हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें राधा नाचती है और कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये दोनों अलग अलग कर देंगे तो कृष्ण बांसुरी बजाता है उपवाक्य है, राधा नाचती है उपवाक्य है। कब? जब ये दोनों एक साथ वाक्य में हैं तब। अन्यथा यह अलग अलग रहेंगे तो पद समूह भी कहे जाएंगे, उपवाक्य भी कहे जाएंगे और वाक्य भी कहे जाएंगे। चलिए दूसरी परिभाषा समझने का प्रयास करिए। परिभाषा नहीं, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा कि अगला उदाहरण सुन लीजिए कि राम खाता है, राम खाता है और राम खाता है और मोहन मोहन नाचता है। राम खाता है और मोहन क्या करता है? नाचता है। चलिए, राम खाता है और मोहन नाचता है। राम का यहाँ पर बोध हुआ खाने में, मोहन का बोध हुआ नाचने में। तो राम खाता है और मोहन नाचता है, अगर पूरा देखेंगे दोस्तों तो यह वाक्य है। क्या है मेरे दोस्त? वाक्य है। परंतु अगर राम खाता है केवल देख लिया जाए तो वाक्य का यह छोटा सा हिस्सा है जिसे कहा जाएगा उपवाक्य, और मोहन नाचता है यह क्या कहा जाएगा? उपवाक्य कहा जाएगा। कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं दिक्कत है ना? कोई दिक्कत बताइए, अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा आप लोग। हम बताएं कि राम खाता है उपवाक्य, मोहन नाचता है उपवाक्य, राम खाता है और मोहन नाचता है वाक्य है, और शब्द यहाँ पर क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है, अतः और शब्द यहाँ पर समुच्चय का काम करेगा। किसका काम करेगा? समुच्चय का काम करेगा और कह सकते हैं जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, चलिए हो गया तो जल्दी करिए। अब हम लोग देखते हैं उपवाक्य के बारे में, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और उपवाक्य के प्रकार हम लोग देखते हैं। किसको देखेंगे? उपवाक्य के प्रकार। आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए अगला वाला देखेंगे दोस्तों, उपवाक्य के प्रकार। और उपवाक्य आज हमारा टॉपिक है। उपवाक्य के प्रकार को देखेंगे तथा उपवाक्य के प्रकार के भी यदि प्रकार होंगे तो उनको भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक बनेगा उपवाक्य के प्रकार। चलिए देख लेते हैं आज का अगला टॉपिक, उपवाक्य के प्रकार। किसके प्रकार? उपवाक्य के प्रकार। चलिए समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, उपवाक्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उपवाक्य का प्रकार का होता है दो प्रकार का। पहला वाला होता है प्रधान। पहला वाला क्या होता है? प्रधान या मुख्य। प्रधान या मुख्य उपवाक्य। प्रधान या मुख्य उपवाक्य। नंबर दो क्या होता है? यहां पर प्रधान लिखे हैं और प्रधान भी लिख सकते हैं, मुख्य लिखे हैं, गौण भी लिख सकते हैं। और दूसरका वाला, इसका जो मुख्य नाम होता है, सैया में जो नाम होता है, गांव में कहते हैं ना कि अगर दूध बात रही खिलत है भैया, लेकिन तो आर सैया रही, लेकिन का हुई तो आर सैया। तो जो इसका दूसरका नाम होता है इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। या तो इसी को कह सकते हैं अप्रधान, ठीक है, या तो इसी को कह सकते हैं गौण। क्या? उपवाक्य। क्या कह सकते हैं? अप्रधान या आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो उपवाक्य दो प्रकार का है,
अब बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये जो उपवाक्य दो प्रकार का है, इसमें पहला वाला मिला प्रधान उपवाक्य, दूसरा वाला मिला अप्रधान उपवाक्य। अप्रधान न कहकर आश्रित कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश तो बोल नहीं सकते हैं बेटर, क्योंकि अंग्रेजी की कक्षा, अंग्रेजी की क्लास तो है नहीं। तो हम लोग देखेंगे क्या, पहला वाला प्रधान उपवाक्य, दूसरा वाला क्या देखेंगे, आश्रित उपवाक्य। अब एक और बात आपको बता दो कि ये जो आश्रित उपवाक्य है, यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तीनों का नाम देख लीजिए, यहीं पर लगे हाथ, फिर बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वाला बनता है संज्ञा उपवाक्य। पहला वाला क्या बनेगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहला वाला बनेगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा वाला, संज्ञा के बाद सर्वनाम भी आएगा, उसको भी इसी में रखा जाएगा, ठीक है। संज्ञा के बाद यदि सर्वनाम आएगा तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम। तो सर्वनाम जो आएगा वह, या सर्वनाम पर जो आश्रित उपवाक्य होगा, वह भी संज्ञा में ही रखा जाएगा, अलग नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत कहिए कि दूसरा का वाला क्या होगा आपका, कि विशेष, अरे सर्वनाम आश्रित। दूसरा का वाला ध्यान से सुनिए, दूसरा का वाला होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा का वाला क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा का वाला क्या बनेगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा वाला बनेगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबके बारे में जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं, फिर परिभाषा को लिखकर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। उपवाक्य किसे कहते हैं? तो ऐसा पद समूह जिसका अर्थ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर आएंगे। ऐसा पद समूह जिसका अर्थ होता है, जो वाक्य का छोटा सा भाग होता है या वाक्य का हिस्सा होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य कब प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला वाला आपको मिलता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य, ठीक है। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, अब इसको देखिए, और अप्रधान या आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, इसको देखने का काम करिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखने का काम करते हैं। चलिए, प्रधान उपवाक्य हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रधान उपवाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखिएगा आप लोग, जो उपवाक्य, लिखिए जो उपवाक्य, जो उपवाक्य पूरे उपवाक्य से, पूरे उपवाक्य से भी कह सकते हैं और पूरे वाक्य से भी कह सकते हैं, ठीक है। जो उपवाक्य पूरे पूरे वाक्य से पृथक यानी अलग अलग लिखा जाता है, अलग लिखा जाता है, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक यानी अलग लिखा जाता है, तथा जिसका अर्थ, लिखिएगा तथा, लिखा जाता है तथा जिसका अर्थ, जिसका अर्थ किसी पर, जिसका अर्थ किसी पर आश्रित नहीं होता है। बाबू ध्यान से लिख लीजिएगा, जिसका अर्थ किसी पर आश्रित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। पूरा देखिए मेरे दोस्त, हम बताएं प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य किसे कहते हैं।
बताए हैं कि जो उपवाक्य पूरे उपवाक्य से अलग लिखा जा सके या लिखा जाता है, या उपवाक्य से भी अलग लिखा जाता है। ठीक है, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग लिखा जाता है, जिसका अर्थ, मेन बात यहीं पर ध्यान देना है, जिसका अर्थ किसी पर आश्रित नहीं होता है। बाबू बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिसका अर्थ किसी पर आश्रित न हो। ठीक है, वाह, जिसका अर्थ किसी पर आश्रित न हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। कैसा उपवाक्य कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। भैया मेन बात ई कि आम के ऊपर आश्रित ना ही, पैसा लेवे खातिन, चाहे खाना खाए खातिन, चाहे कुछ करे खातिन, हम प्रधान हैं। आ हमारे ऊपर, हमार लड़की लड़का मेहरारू अगर आश्रित हम, हमसे पैसा लेवे खातिन खाए खातिन हमारे पर निर्भर हम, तो उन लोगन आश्रित और हम का होगे नहीं प्रधान। अब देखिए वर्तमान में ई काम कैसे समझ सकते हैं। अगर आप लोग, ठीक है, जो जो वीडियो सुने हैं ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोग अपनी पैसा या अपना खान खर्चा स्वयं उठा ले रहे हैं तब आप प्रधान हैं, परंतु पैसा के लिए या किसी भी कार्य के लिए अपने माता या पिता पर निर्भर हैं तो आप क्या हैं? आश्रित। तो अब वही सही काम किया गया है इसमें कि अगर एक ठो वाक्य लिखे आ उस वाक्य में एगो उपवाक्य खोजे ऐसा कि जो किसी दूसरे पर आश्रित न हो। अगर नहीं रहेगा तब वह प्रधान है, अगर आश्रित है तब का हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य की भी परिभाषा लिख लीजिए लगे हाथ, और फिर इसके बाद दोनों को मैं मेरे दोस्तों आपको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा वाक्य में कौन प्रधान उपवाक्य है, कौन आश्रित उपवाक्य है, कौन प्रधान उपवाक्य है, कौन आश्रित उपवाक्य। चलिए आश्रित उपवाक्य की परिभाषा लिखिएगा कि जो उपवाक्य, लिखिए परिभाषा, जो उपवाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, जो उपवाक्य या वे उपवाक्य जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए प्रधान उपवाक्य, कहां पर प्रधान उपवाक्य, कहां पर प्रधान उपवाक्य पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित या निर्भर, आश्रित या निर्भर होते हैं, आश्रित या निर्भर होते हैं उन्हें या उसे, उन्हें या उसे आश्रित, उन्हें या उसे आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में रखा जाता है, कि श्रेणी में रखा जाता है। मेरे दोस्तों अच्छी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए या तो लिखिए जल्दी से, और फिर या साथ में लिखें तो और अच्छी बात है। चलिए अब अभी बताएंगे ये जो अप्रधान या आश्रित उपवाक्य होता है कितने प्रकार का होता है। तीन, पहला वाला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसर का विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीसर का क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, स्क्रीन शॉट बना लीजिए मेरे दोस्त। मैं प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण को देने जा रहा हूं, तो आप लोग लिखते और समझते रहिएगा साथ में। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक वाक्य लिखूंगा और उस वाक्य में आपको बताऊंगा, या आप लोग भी साथ में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते रहिएगा। ठीक है, कि कहां पर प्रधान उपवाक्य है, कहां पर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखने का अभ्यास करिए साथ में। क्या होगा? उदाहरण देखने जा रहे हैं, हो गया?
चलिए हो गया दोस्त, आइए देखते हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, अगला आपको पहला उदाहरण मिलने जा रहा है। पहला उदाहरण है कि आशीष आशीष ने आशीष ने कहा, आशीष ने कहा कि आशीष ने कहा कि मैं आशीष ने कहा कि मैं विद्यालय 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 नहीं जाऊंगा। आशीष ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। चलिए आशीष ने कहा, किसने कहा? आशीष ने कहा। बाबू आप कीवर्ड को नोट पॉइंट मैं अंतिम में बता दूंगा, पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद देख लीजिएगा कि मैं वह सब आपके सामने प्रस्तुत किया हूं कि नहीं किया हूं। चलिए आशीष ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आशीष ने कहा, केवल इतना ध्यान दीजिए, आशीष ने कहा, किसने कहा? आशीष ने कि हम का ना करब विद्यालय ना जाए, स्कूले हम ना जाए। भैया तुझो केवन कल आशीष, आशीष ने कहा। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। आशीष अगर नहीं कहता तो क्या यह बात किसी को पता चलती? नहीं चलती ना। तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा यह आशीष के कहने पर क्या है, आश्रित है या निर्भर है? अगर आशीष नहीं कहता तो क्या कोई जान पाता कि वह विद्यालय जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जान पाता ना। तो आशीष ने कहा प्रधान है तथा मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा यह क्या है, आश्रित है। कोई दिक्कत? चलिए तो अब अगला वाला आप लोग उदाहरण लिखिए जल्दी से। हाँ लिखिए, यदि यदि हाथी यदि हाथी यदि हाथी चला जाए तो मैं भाग जाऊं, यदि हाथी चला जाए तो मैं भाग जाऊं, यदि हाथी चला जाए तो मैं क्या करूं, भाग जाऊं। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये निश्चित नहीं है। भाई साहब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये निश्चित नहीं है कि प्रधान उपवाक्य आगे आए, प्रधान उपवाक्य पीछे भी आ सकता है। ये निश्चित नहीं है कि आश्रित उपवाक्य पीछे आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया, देखिए क्या है कि यदि हाथी चला जाए तो मैं क्या करूं, भाग जाऊं। मैं बता रहा था कि भैया मेरे दोस्तों ये पक्का नहीं है, ये क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है कि प्रधान उपवाक्य आगे होगा, प्रधान उपवाक्य पीछे भी हो सकता है। और अभी जानकर अचंभित होंगे कि मैं भाग जाऊं कैसा उपवाक्य है, तो मैं भाग जाऊं यह प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? प्रधान। कहेंगे कि कैसे मैं भाग जाऊं, ई बतिया जरूरी है कि यदि हाथी चला जाए ये जरूरी है, मैं भाग जाऊं, मैं भाग जाऊं यह कैसा उपवाक्य है, तो यह आपका प्रधान उपवाक्य है। जबकि यदि हाथी चला जाए यह कैसा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य। जल्दी करिए। चलिए अगला वाला आप लोग लिखिए, जल्दी करिए और लिखने का काम करिए। हो गया, चलिए अगला वाला लिखिए। अगला वाला आप लोग लिखिएगा,
कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, मैं जरूर आऊंगा। कोई आए या ना आए, मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा, यह प्रधान उपवाक्य। कैसा प्रधान? कोई आए या ना आए, यह कैसा उपवाक्य है? यह आश्रित उपवाक्य है। मतलब कि वो आई चाहे जिन तोरे भी आए में, हम आई न्योता नहीं देवे थब्बो, जबरदस्ती आई। अगला वाला देख लीजिए उदाहरण, अगला वाला जल्दी से लिखिए आप लोग, ठीक है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह क्या होगा? पास होगा। चलिए, वह पास होगा, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, वह पास होगा कि जे पढ़ी वह पास होगा। ये बात क्या है? प्रधान है। कैसी है? प्रधान। के पास होई जे पढ़ी, ना पढ़वा तो ना पास होगा। जो पढ़ेगा आश्रित उपवाक्य, जबकि वह पास होगा। कैसा उपवाक्य है? प्रधान उपवाक्य। जल्दी करिए, अब मैं इसको मिटाने का काम करता हूं और आगे हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे समाप्त भी करते हैं इसको, ठीक है? जल्दी करिए, मिटाएं। चलिए चलिए, अगला वाला लिखिए आप लोग उदाहरण और समझने का प्रयास करिएगा। हाँ लिखिए, जब 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 बरसात होती है, जब जब बरसात होती है, जब जब बरसात होती है, तब तब जब जब बरसात होती है, तब तब राधा नहाती है। जब जब बरसात होती है, तब तब राधा क्या करती है? नहाती है, ठीक है? तब तब राधा नहाती है, यह कैसा उपवाक्य? प्रधान। जब जब बरसात होती है, यह कैसा उपवाक्य मेरे दोस्तों? आश्रित उपवाक्य। कैसा उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य, ठीक है? आगे देखिए, लिख लीजिए अगला वाला, जल्दी करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी बनाते रहिए। यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसे, यह वही लड़की है जिसे मैं मुंबई में देखा था, मुंबई में देखा था। यह वही लड़की है जिसे मैं मुंबई में क्या किया था? देखा था। तो यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, इतना वाक्य आपका क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। अब मैं इसे कहाँ देखा था? मुंबई में, जिसे मैं मुंबई में देखा था, यह क्या हो जाएगी? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नोट पॉइंट मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अक्सर करके यही आप लोग बहुत देखे होंगे, ठीक है? अब तक जितना हमने उदाहरण बताया, अब उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, नोट पॉइंट लिखिएगा।
अच्छी प्रकार से आप लोग नोट लिखने का काम करिएगा। नोट लिखने के साथ साथ ध्यान भी दीजिएगा कि लिखिए जो उपवाक्य, ठीक है, ध्यान से लिखिए मेरे दोस्तों, जो उप वाक्य, जो उप वाक्य की जो की जो जिसकी जिसकी जिसे, या वही लड़की है जिसे मैं मुंबई में देखा था, मिल गया जिसे सब, जिसे ताकि यदि यदि आइए इधर, जब यदि के बाद जब तब, हो सकता है कि दोनों दो बार आ जाए, यानी जब जब तब तब जब जब तब तब एवं जो जैसे जैसे तैसे एवं जैसे तैसे इत्यादि से, जो उपवाक्य की जो जिसकी जिसे जैसे जहां जैसे जब तब जब तब जब जब तब तब एवं जैसे तैसे इत्यादि इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है, वह आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, इतना आपको हमने बताया और सिखाया, तो आशा करता हूं कि अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले दिन उपवाक्य के प्रकार में, आश्रित उपवाक्य के प्रकार को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।